रीवा पुलिस पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां कार से कुचल कर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक के परिजनों ने बेटे की हत्या की आशंका जताई है। परिवार का कहना है कि उन्हें अप्रायोजित तरीके से दुर्घटना का शिकार बनाया गया है और उनकी हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले को एक्सीडेंट का रूप दे रही है। पीड़ित परिजनों ने कहा कि घटना से दो दिन पूर्व जो है ना, जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस पूरी घटना में दो पूर्व सरपंचों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें बहुत ही ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच राजू सिंह और खेचुआ ग्राम पंचायत के सरपंच रमा पांडे, जिनके खिलाफ अशोक सिंह लगातार जांच की मांग करते आए हैं। पूर्व में भी कई अपराध उसके नाम दर्ज है। तो आपको बता दें कि रीवा जिले से आपको एक खबर हम बता रहे हैं। ग्राम पंचायत बहुत ही ग्राम पंचायत खेचुआ के पूर्व सरपंच रमा पांडे राजू सिंह, इनके खिलाफ वो आवेदन दिया था जांच के लिए, जो कि उसी के तहत ये कार्रवाई, ये मर्डर कराया गया, एक्सीडेंट में बदला गया। मेरी दुर्भाग्य है, लेकिन आदमी मेरा विश्वास है कि मेरा लड़का ग्राम पंचायत के राजनीति, मेरा लड़का ही नहीं बल्कि मेरा सभी परिवार उत्साहित रहते थे। मेरा लड़का हमको सुनने में आया है और यहाँ कहता भी था कि हम उनकी पूरी जांच करा के रहेंगे। जितना भ्रष्टाचार उन्होंने पंचायत में किया है, पूर्व सरपंच ने, हम दसों वर्षों का पूरी हम जांच कराएंगे, हम जनता के सामने भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। आपको बता दें, रीवा जिले से हमने आपको एक खबर बताई, जहां पर एक युवक की जो है कार दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। परिजनों का कहना है कि ये सोची समझी साजिश है। वहीं पुलिस कह रही है कि ये एक्सीडेंट है। इस मामले में जो है सरपंचों का नाम भी जुड़ रहा है। सरपंचों के खिलाफ जो है परिजन मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ दर्ज केस हो। इसी के साथ रीवा से हमारे संवाददाता प्रद्युम्न शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रद्युम्न, रीवा जिले में आए दिन एक्सीडेंट और ऐसी खबरें सामने आती रहती है, मगर इस बार जो है एक युवक का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर और परिजन कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है। वहीं पुलिस इसे एक्सीडेंट का नाम दे रही है, क्या अपडेट्स है? बिल्कुल, यहाँ पे बता दें कि ये रीवा जिला इस समय लगभग इतने एक्सीडेंट दुर्घटना घट रही है, जो कि जो दुर्घटना घट रही है वो भी जो दुर्घटना दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर में जिस माँ का लड़का मौत के मुंह में समा गया, और उस पर जिसको हम कहते हैं कि ये देश की रक्षक पुलिस है, लेकिन पुलिस अपने कार्यों से भटक रही है, और अगर रक्षक पे ये गंभीर आरोप लग जाए कि ये हादसा हो रहा है अथवा हादसा हुआ है, तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से पैदा होता है कि माँ की गोद सूनी हुई और पहले से जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में आवाज उठाता रहा, और उसी दौरान अगर कहीं हादसा हो जाए अथवा हादसा कर दिया जाए, फिर उसमें जिसको देश के रक्षक कहा जाता है वो भी भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला ले, ये गलत होता है। क्योंकि जिस माँ की गोद सूनी हुई उस पर क्या बीत रही होगी, उसके बच्चे कैसे रहेंगे, उनके बच्चों से सर से पिता का साया दूर हो गया, चला गया, अब इस न्याय की लड़ाई में वो किससे उम्मीद करे कि हमारे साथ न्याय होगा। लगा ये घटना 15 तारीख की है और तीन पूर्व सरपंचों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि इनके मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली जा रही थी, जिसमें उन भ्रष्टाचारियों के द्वारा मुझे दो दिन पूर्व ये धमकी दिए थे कि अपना सूचना का अधिकार वापस ले लो अन्यथा जान से जाओगे। उसके ठीक दो दिन बाद ये हादसा होता है। जी बिल्कुल, और साफ साफ दिख रहा है कि जब परिजनों ने शिकायत की पुलिस से, तो पुलिस उस वक्त क्यों सो रही थी? पुलिस की जिम्मेदारी बनती है जब कोई लोग या जो भी है अपनी समस्या लेकर उन्हें बताए, तो पुलिस को उसमें संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने सबसे पहले तो इंतजार किया कि कोई बड़ी दुर्घटना हो या घटना हो, और अब जब घटना हो गई है तो पुलिस फिर भी इससे बचती नजर आ रही है।
अब पुलिस बस्ती नजर आ रही। इसके पूर्व एमकेएन ने एक खबर दिखाई थी कैलाशपुर में, जो कि एक 58 वर्षीय महिला की मौत हो गई, उसमें भी धरना प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, तब जाकर के आज जुडिशियल जांच हो रही है। अब जुडिशियल जांच हो रही है, परिवार की मांग थी, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये पहले ही अगर न्याय कर दिया जाता, इंसाफ कर दिया जाता, तो शायद आने वाले दिनों में इतने बड़े हादसे का कारण बता करके ये न लीपापोती की जाती कि ये हादसा है। अगर जानबूझ करके सड़क हादसा उसको कुचला गया है आरटीआई कार्यकर्ता को, तो वहां पर उसके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम तो यही है, पुलिस हम लोगों के लिए है, तो पुलिस आखिर अपने कर्तव्यों से क्यों भटक रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ क्राइम पे रोक लगाने के लिए एसपी रीवा के द्वारा मीटिंग, आठवें दिन मीटिंग और लगातार समझाइश दी जा रही, लेकिन जो थाना प्रभारी है उनके द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही। हम कहते हैं कि अगर परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई होगी जी, जी। उस सच्चाई को गंभीर, वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि उस सच्चाई को गंभीरता से लेकर ऐसे थाना प्रभारियों को जो वरिष्ठ अधिकारियों की छवि धूमिल कर रहे हैं, उनको सीधे लाइन अटैच कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। और हमारी भी कोशिश ये होती है कि प्राथमिकता से इन खबरों को दिखाए, और अब देखना खास ये होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद भी पुलिस कोई एक्शन में आती है या फिर पुलिस का रवैया ऐसा ही बना रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रीवा से आपको हमने खबर बताई जहां पर जो है एक युवक का एक्सीडेंट हो जाता है। परिजनों का कहना है कि ये सोची समझी साजिश है, कुछ सरपंचों के नाम परिजनों ने लिए है, वहीं पुलिस से एक्सीडेंट का नाम करार देकर अपना पल्ला झाड़ती नजर आती है।